गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 42। राइट इन योर कॉपी, आपको पेज नंबर 42 अपनी कॉपी में करना है, अपने रजिस्टर में करना है। देखिए बी नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें बुक में दिया है। Arrange in column and find the difference of 46,732 and 23,845. Okay? आपको अपनी बुक में मिला। हम पहले क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। Ones, tens, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, डिजिट हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीछे से लिखना। मगर सबसे पहले हम उनके आगे के डिजिट को कंपेयर करेंगे। 46,000 और 23,000, तो हमारी सबसे बड़े डिजिट क्या है? 46,000। तो हम ये वाला डिजिट पहले लिखेंगे। टू, थ्री, सेवन, सिक्स, फोर। नेक्स्ट डिजिट है हमारा फाइव, फोर, एट, थ्री, टू। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस। सब्ट्रैक्ट्स वंस कॉलम, टू माइनस फाइव पॉसिबल है? नहीं। तो हम यहां से वन डिजिट लेंगे, वन बोरो लेंगे, तो इनके पास बचेगा टू, और ये वाला टू क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा वन के। तो हमारे पास आप ट्वेल्व में से फाइव माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा? ट्वेल्व में से फाइव माइनस किया, आंसर हमारा आया सेवन। सेवन अंडर द वंस कॉलम। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट टेंस, टू माइनस फोर पॉसिबल है? टू में से फोर माइनस कर सकते हैं, पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? था हंड्रेड में से वन ले लेंगे। आप कम से कम थ्री लाइन छोड़ के सम्स लिखना है, ठीक है? हंड्रेड में से हमने वन के ली, तो हंड्रेड के पास सिक्स बचा। टेंस का टू कैंसिल करके ऊपर हमने टू लिखा। ट्वेल्व माइनस फोर, अब सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, माइनस हो सकता है। ट्वेल्व माइनस फोर आंसर कितना आएगा? एट। आंसर कितना आएगा हमारा? एट। ओके, सब्ट्रैक्ट हंड्रेड कॉलम, सिक्स माइनस एट पॉसिबल है? नहीं। थाउजेंड में से फिर हम वन बोरो लेंगे, इनके पास बचेगा फाइव, क्योंकि सिक्स ट्रॉफी में से वन हमने उनको दी थी, तो हमारे पास कितनी बची? फाइव ट्रॉफी। सिक्स को कैंसिल करके ऊपर लिखेंगे, सिक्सटीन माइनस एट, अब पॉसिबल है ना माइनस करना? सिक्सटीन माइनस एट आंसर कितना आएगा? एट। ओके, अब सब्ट्रैक्ट थाउजेंड कॉलम्स, फाइव माइनस थ्री, फाइव में से तो थ्री जा सकता है, फाइव माइनस थ्री आंसर कितना आएगा? टू। नेक्स्ट हमारा है एट थाउजेंड सब्ट्रैक्ट फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना आया हमारा? 22,887। ओके, कितना है? 22,887। क्वेश्चन नंबर टू आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम टू सेम है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री बताती हूँ। लिखा है फाइव टेन थाउजेंड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एंड नाइन थाउजेंड। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे।
आपको थ्री लाइन छोड़ के सम लिखना स्टार्ट करना है। फाइव टेन, फाइव टेंस का मीन्स होता है जीरो, थाउजेंड में कितने जीरो लगते थ्री। नेक्स्ट अब आ रहा है थाउजेंड, थाउजेंड में कितने डिजिट लगते थ्री, और लिखा है नाइन थाउजेंड। तो ये हमारा सम्स हुआ। ओके, सब्ट्रैक्ट मींस माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा वन से टेन से हंड्रेड है, थाउजेंड है, टेन थाउजेंड। ओके, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको, कैसे कंपेयर करेंगे? अब जीरो है, जीरो में से जीरो माइनस किया, आंसर क्या आएगा हमारे पास? जीरो। जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। अब जीरो में से नाइन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेन थाउजेंड में से वन बोर्न लेंगे। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, फोर। अब ये जीरो क्रॉस करके ऊपर लिखेंगे, टेन सब्ट्रैक्ट नाइन इक्वल टू वन, फोर का फोर। हमारा आंसर आया 41,000। कितना आया? 41,000। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम टू सेम इसी के तरह है, ये आपको करना है अपनी कॉपी में। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सी नंबर का क्वेश्चन। इस वाले डिजिट में से इस वाले डिजिट को माइनस करना है,
और इसका जो आंसर आएगा वो आपको इस वाले डिजिट से माइनस करना है। ओके, तो ये वाला सम्स भी आप ही को करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेम टू सेम ये है ई वाला, इस वाले डिजिट में से आपको इस वाले डिजिट को माइनस करना है और उसका जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है अपनी कॉपी में। फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है ना ये हमने, तो ये फिलअप्स आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। एफ नंबर का आपको अपने बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट हमारा है फिल अप ईच बाय द करेक्ट डिजिट, फिल अप ईच बाय द करेक्ट डिजिट, ये आपका होमवर्क है। जी नंबर का आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, इसमें करना है आपको, कॉपी में करना है।